नमस्कार, मैं स्वाति दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। गोली लगने से नाबालिग घायल। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में गांव मुड़िया देहात स्थित बाइक सर्विस की दुकान के बाहर एक नाबालिग खड़ा था कि अज्ञात व्यक्ति नाबालिग को गोली मार दी, जिससे नाबालिग स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल नाबालिग का उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने नाबालिग की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ दीपिका अग्रवाल और प्रशिक्षु आईपीएस पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू की है। पुलिस ने पड़ोस के घर से एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सीओ दीपिका अग्रवाल ने बताया कि पूछताछ में युवक ने बताया कि उसके द्वारा बंदर को भगाने के लिए एयर गन से फायर किया गया था, जिससे गोली दुकान के बाहर खड़े नाबालिग को लगी। मामले की पूछताछ की जा रही है। तहरीर आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की यह रिपोर्ट। मैं यहाँ पे खड़ा था बाइक रिपेयरिंग की दुकान पे, और जस्ट पास में और लड़का यहाँ पे बैठा था, और जो इनके मैकेनिक हैं वो उसमें एक पहिया टाइट कर रहे थे उसका, तो एक पटाखे जैसी आवाज़ आई और लड़का जस्ट नीचे गिर गया। मैंने देखा तो लड़का पड़ा था, मैंने फिर उसकी गर्दन पे नज़र मारी तो उसमें से खून बहुत तेज़ी से निकल रहा था। जैसे मैंने देखा तो मैंने उसे आवाज़ मारी कि उस्ताद को, मैंने कहा इसे कुछ हो गया लड़के को, तो कि उस्ताद ने देखा वो भी नीचे गिर गए। फिर एकदम दूसरी गाड़ी मंगाई, फ़ोन करा मैंने, यहाँ पर गाड़ी आ गई है, वो उसमें गाड़ी में डाल के हम पांडे अस्पताल लेके गए उसे, और वहाँ पर उसका जो है ट्रीटमेंट उन्होंने करा, और उसके बाद उन्होंने वहाँ के लिए बोल दिया सरकारी अस्पताल के लिए। बच्चे हमें ये सूचना मिली थी कि एक लड़का जो कि एक बाइक सर्विस दुकान में काम कर रहा है, उसके गोली लग गई है। तो इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे और जो लड़का है उसको एकदम चिकित्सा के लिए भेजा गया, रेफर किया गया। तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया और आसपास पूछताछ की गई। तो इसमें प्रथम दृष्टिया जो पता लगा है वो एयरगन से फायर होना पता लगा है। बाकी अभी जो पीड़ित पक्ष है उससे तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई है इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ के लिए लेकर आए किसी को।